समझाता। वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली ख़बरों पर। महिसा शहर के डबल बेडरूम के कामों में तेज़ी, मुस्तहिकन तक पहुंचाना जी विठल रेड्डी का मकसद। पी कृष्णा। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए कई सहूलियात फराहम की जा रही है। उसी के पेश नज़र महिसा शहर के पाड़ी रोड पर वाक़े 204 डबल बेडरूम के तामीराती काम मुकम्मल होने के अख्ताम पर है। इस मौके पर सदर टाउन महिसा पी कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए अवाम तक पैगाम पहुँचाया के डबल बेडरूम के मुकम्मल तामीरात के बाद अवाम से दरख्वास्त मौसूल करते हुए मुकम्मल जांच के साथ बिला भेदभाव मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर और रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम तक सहूलियात फराहम करना है। और दूसरे मरहले के तहत 208 मकानात की तामीरती काम का बहुत जल्द आगाज़ होगा। वैसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। पयाम इंसानियत कोटला की जानिब से एक और मिसाली इकदाम। कोटला में एक 75 साल शख्स मिक्ता किशन की कोरोना की वजह से मौत वाक़ हो गई, जिस पर अफराद ख़ानदान की लापरवाही और डरो खौफ पर पयाम इंसानियत तंजीम के मेम्बरान ने इस हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात मुकम्मल हिंदू वाहाना तरीक़े से अंजाम दी। पयाम इंसानियत का ये एक मिसाली इकदाम नहीं, बल्कि ये तंजीम पिछले कई दिनों से कई इलाकों की अवाम की खिदमात अंजाम देते हुए आ रही है, जिस पर तमाम मजाहब के लोगों ने इस भाईचारगे की मिसाल की सराहना की। मिटपली से हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की रिपोर्ट। निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी का वर्णी मंडल में अचानक दौरा। निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ज़िले के वर्णी मंडल के जाकुरा और वर्णी मौजात का अचानक दौरा करते हुए किसानात के प्लेटफार्म और देही नौयत के जंगल के जारी कामों का जायज़ा लिया और मुकामी जिम्मेदारान को हिदायत दी कि किसान प्लेटफार्म और नेचर फॉरेस्ट के कामों को जारी माह के आखिर तक मुकम्मल करें, और साथ ही कहा कि साफ़ सफाई पर खसूस तवज्जो मरकूज़ करते हुए इलाके में शजरकारी को मुस्तकम बनाएं और बस स्टैंड पर शजरकारी पर खसूस तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी। निज़ामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिफ पाशा की रिपोर्ट। ज़िले भर में तरक्याती कामों को मनसूबाबंद तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। ज़िले कलेक्टर जगत्याल रवि गोकुलोत ने ज़िले अहदेदारों के हमरा IMA हाल में एक इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ्लाई ओवर तरक्याती कामों को मुकम्मल मनसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया जाए और खसूसी तवज्जो शजरकारी पर मरकूज़ करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि तमाम इलाके दुकानों, इबादतगाहों, खुले मैदान, दवाखानों, सड़कों पर शजरकारी को अंजाम दे और साथ ही उनकी निगहदाश्त के लिए मखसूस निगहबान को मुकर्रर करते हुए इन्हें शनाख्ती कार्ड दस्तियाब करें ताकि उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर बी राजेशम, डी अरुणा, RDO माधुरी, विनोद के अलावा दिगर मौजूद थे। करीमनगर में ज़िले कलेक्टर की जानिब से LRS शौर बेदारी की हिदायत। करीमनगर ज़िला कलेक्टर शशांका ने मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा कलेक्टर हाल में जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर शशांका ने LRS से मुतल्लिक अवाम में शौर बेदार के लिए वर्खिया शाय करने और अवाम में तकसीम करते हुए अवाम को शौर बेदार करने की हिदायत दी और साथ ही कहा कि हर मंगल और हफ्ता LRS मेले का अहतमाम किया जाएगा ताकि अवाम को सहूलियत फराहम हो। इस इजलास में मेयर सुशील राव और म्यूनसिपल कमिश्नर क्रांति के अलावा दिगर अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला KCR की जानिब से मसाजिद और मंदिर की दोबारा बाजियाबी का ऐलान।
सेक्रेटेड मसाजिद और मंदिर की शहादत को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाली खबरें और मुख्तलिफ सियासी जमातों और जिम्मेदारान के सवालात का जवाब देते हुए वजीर आला KCR ने अपनी गलती का एहसास करते हुए दोबारा उसी जगह मसाजिद मंदिर और चर्च को तामीर करने का ऐलान किया और कहा कि इन इबादत गाहों की शहादत का मुझे भी गम है और कहा कि जल्द से जल्द तामीरती काम का आगाज करते हुए उस मसले को हल किया जाएगा। जहाँ पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था, मैं साफ बता रहा हूँ। वहाँ एक टेम्पल भी था, इन चीज़ों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान को मानता हूँ, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहाँ मस्जिदें थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। वही नहीं, कुछ ज़्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहाँ के इमाम साहब के लिए अलाट करता हूँ मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूँ, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूँ, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटेड है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मजाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं।